होटल है शाराए हाजरा में, तो इधर से अब हम निकले हैं ये कुबरी। कुबरी के नीचे ना आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो अब रेट करेंगे जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो हमें पता है कि तकरीबन 15,000 पर हेड आएगा बंदा। टैक्सी पे चार बंदों का तकरीबन 60,000 बनेगा, और अगर गाड़ी पे जाते हो गाड़ी की क्वांटिटी पे है तो अब आगे जाते हैं बताता हूँ आपको। और मेन मकसद भी इस वीडियो का यही है कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग टैक्सी वाले इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, यानी जिस चीज़ का किराया 5 रियाल बनता है उधर 30-30 रियाल लिया है और अलग से जलालत, तो जिधर वेट बहुत ज़्यादा करवाया। तो इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि इंशाल्लाह अब जो है ना अच्छी तरह से गाइड करें, और कोई मेरा भाई बहन माँ कोई भी है बच्चे उन्हें कोई मिसयूज़ इस तरह ना करें इंशाल्लाह। और बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा सब्र रखना हमें, क्या वेट करें। ये कुबरी आ गई है, वो शाराए हिजर है, और वो शाराए जो बिल्डिंग ग्रीन है ना वो शाराए इब्राहिम में। अब हम जा रहे हैं, ये सारी देख रहे हैं बसेस गाड़ियाँ एक तरह से अड्डा है, इधर से आपको मिल जाते हैं। हमारा ग्रुप भी भरा है तो इंशाल्लाह आपको बताता हूँ क्या रेट हुआ वो भी दिखाता हूँ। इधर अब एक गाड़ी रुकी है क्योंकि हमारा ग्रुप काफ़ी भरा है, तो भरी गाड़ी देख रहे हैं। इधर गाड़ी आती रहेंगी, आप लोग बस थोड़ा सा सब्र रखो, डिस्कस करो। जिन्हें हमारे इधर अरबी आती है थोड़ा एक्सपीरियंस है वो रेट कर रहे हैं, और अरबी आना ना भी जरूरी, पाकिस्तानी लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आप देखें गाड़ियाँ खुद आके रुक रही हैं। तकरीबन हमारी इससे बात होगी 15,000 पर पर्सन के हिसाब से। अब जा रहे हैं मस्जिद जाराना, अगर नाम गलत लूँ तो मैं सॉरी, तो उधर जाएंगे, उधर जाके आपको बताता हूँ सारा। 15 रियाल कुछ भी नहीं है, आप देखिए अगर आप टैक्सी पे होते 60 रियाल होते चार बंदों के, इस पर सीट के हिसाब से। बस थोड़ा सा सब्र रखें, रेट करें, रेट नहीं बनता अगले से डिस्कस करें, इतनी जल्दी घबराना नहीं। बस आपने आपको 10 मिनट भी नहीं खड़ा होना पड़ना, 5 मिनट से पहले भी, हमें इधर 2-3 मिनट लगे होंगे, तो इंशाल्लाह इतना सिंपल है। अगर आपने मस्जिद आयशा जाना है, अगर आप 2 लोग हो 3 लोग हो 4 हो, अगर टैक्सी जानी है तो आपने 40 रियाल से ऊपर नहीं देना। अगर आप वैसे भरी गाड़ी पर जा रहे हो तो 10 रियाल मस्जिद आयशा के, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा वीडियो। तकरीबन आधा घंटा लगे हमें, ये फ्री जो बस चलती हैं वो भी आई हुई हैं इधर। अब वो मस्जिद है वहाँ पे जा रहे हैं, और सिर्फ 15 रियाल आना जाना मिला के। आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोग ना इस चीज़ का ध्यान रखा करें, रेट करें, सुन्नत भी है। वो देखते हैं लोग थके हुए हैं घबराए हुए हैं, जबान नहीं है, फ़ायदा उठाते हैं। अब मस्जिद के अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ, साथ ज्यारत भी होती रही। ये मस्जिद है, इसकी साइड पे वो एंट्री है मैन की, मर्द की, औरत की, जनाना की, यहाँ पे उन मर्द यानी मेल की वहां पे। इधर टॉयलेट भी बने हुए हैं जो वजू वगैरह करनी है। ये भी सीढ़ियाँ चल रही, ये औरतों के लिए अलग जगह। तो अब हम इस मस्जिद में पहुंच के बंदे नवाफिल अदा करेंगे और फिर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बता रहा हूँ कि इतनी प्राइजेस नहीं होती जितने लोग लेते हैं। अब अंदर चलते हैं, माशाल्लाह पानी है, शुक्रिया, ठंडा ठंडा पानी है, आप आइए पियो। वो बस है और ये मस्जिद है, यहाँ पे जूती उतारो और अब अंदर चलते हैं माशाल्लाह। वो फानूस चेक करें कितना खूबसूरत है। मेरा खुदा कोई और है ना, मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला। इसी चल रहे हैं, कमरा ठंडा, क्लीन भी, बड़े मजे के। अब घूमने की नियत करते हैं, फिर आगे बात होती है। अभी वैक्यूम लगा है इसलिए शोर है, लेकिन ये मस्जिद है माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत, लेकिन छोटी मस्जिद है, मुझे उम्मीद थी बड़ी होगी। अब बाहर चलते हैं, अपनी जूती ढूंढे, मेरी जूती कोई नहीं, नॉर्मली लेता पाँव भरे। ये भी जगह आप बाहर आ सकते हैं, मैं दूसरी जगह से आई, अब उधर से चलते हैं यहाँ से। ये पानी वगैरह रखा हुआ है, आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसकी।
वो उस बस पे आए हम। पहाड़ माशाल्लाह बड़ा प्यारा नज़ारा। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अल्लाह ख्याल करे से 15 रियाल में उम्रा होगा यहाँ पर। आज दूसरा दिन है, कल भी मस्जिद जुराना गए थे जो आपको वीडियो दिखाई थी, और आज दूसरा दिन है, आज फिर से मस्जिद जुराना की हाजिरी नसीब हुई है, और आज मैं आपको फ्रेंड से दिखाऊंगा। वो जिधर से पाइप निकल रहे हैं ना, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे वजू किया हुआ, ये कुआं होता था पहले, अब ये पाइप बना दिया हुआ। अभी बैक साइड से आया था तो फ्रंट दिखाया नहीं, ये फ्रंट का बरांडा है। इधर कुछ हाजी आए हुए हैं, आपको फ्रंट मैंने कहा दिखा दूँ। वो पहाड़ है माशाल्लाह से, थोड़ा जल्दी चाह रहा हूँ क्योंकि ग्रुप के साथ आए हो, तो वो ना हमने जल्दी जल्दी निकलना, असर की अजान तो होगी लेकिन हम उधर पढ़ेंगे नमाज। ये मार्केट्स हैं पास सारी, ये है मस्जिद जुमराना, जुमराना सॉरी, ये फ्रंट है माशाल्लाह। चलो अब चल रहे हैं, हम हमारा ग्रुप आगे। और आज जो रेट है ना, आज रेट हमारा 12.5 रियाल लगा, कल 15 रियाल तक कुछ ग्रुप हमारे गए हैं, उन्होंने का लगा 11 रियाल, यानी कि प्राइस वेरी करती है, 15 रियाल भी मिनिमम नहीं है। अब वहाँ चल के आपको बताता हूँ बाकी चीज़ें। ये देखिए आप एंट्रेंस, हम इधर से अगर फ्रंट से उतरे ना तो ये है, ये लिखा भी हुआ मैंने कहा लबैक अल्लाहुम्मा लबैक لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك। इधर से बाहर आए हैं किंग फाद गेट, फोटो कवर सही हो गया है, दुआ करें अल्लाह ठीक कर दे मुझे जल्दी। तो रेट आपने देखे वेरी करता है, 15 रियाल एक दफ़ा आने जाने के दिए हैं, दूसरी टीम ने उसी दिन लिए 11 रियाल आने जाने के, और इस बारी जो हमने गाड़ी करवाई है उसके उन्होंने लिए हैं 12.5 रियाल। तो प्राइस वेरी कर रही है भरी गाड़ियों में स्पेशली, यानी हमने मैक्सिमम 15 रियाल से ज़्यादा नहीं देने मस्जिद जुराना के। और जो हमने मस्जिद आयशा के काफ़ी ज़्यादा टूर किया उसमें मुझे एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि हम भरी गाड़ी में तकरीबन 10 रियाल देते हैं, और टैक्सी भी करवाएं 4 लोगों के लिए तो, या 5 लोग भी बैठ जाए तो 10 रियाल पर पर्सन देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, क्योंकि अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं इधर आया हूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो। अल्लाह हाफिज़, बाय।